हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एफर्टलेस जावा। आज हम लोग स्टडी करेंगे कि हाउ टू फाइंड द रिवर्स ऑफ अ नंबर। कि अगर हमें कोई भी नंबर दिया हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मुझे दिया हो 285, तो अगर मेरे को इसका नंबर का रिवर्स निकालना है तो आउटपुट क्या होएगा? 582। इसका रिवर्स निकालना है तो इसका रिवर्स ये हो गया। तो अब हम स्टडी करेंगे किस तरह से रिवर्स निकलता है। उससे पहले मैं पहले आपको पूरा कंपाइल कोड करके दिखाती हूँ ब्लू जे में कैसे हम लोग करेंगे। मैंने सिंपली एक नई क्लास बनाई और मैंने रिवर्स डाल दिया नेम क्लास का, क्योंकि हम लोग रिवर्स निकाल रहे हैं। मैंने ये ओपन करा प्रोग्राम और उसके बाद मैंने सबको डिलीट कर दिया। अब हम लोग सिंपली जो अपनी क्लास का नाम है क्लास रिवर्स, ओके, मैंने वॉइड मेन बनाया और मैं पैरामीटराइज इनपुट ले रही हूँ एन में, और मैंने इधर इंट आर स्टोर कर लिया रिमाइंडर के लिए। आर ई वी इक्वल टू जीरो मैंने स्टोर कर लिया नए नंबर रिवर्स को स्टोर करने के लिए। अब मैंने वाइल का लूप चलाया, वाइल नंबर इज नॉट इक्वल टू जीरो, और मैंने उसमें क्या कर दिया, आर इज इक्वल टू एन, और मैंने मॉडुलस 10 कर दिया। और सिंपली मैंने फॉर्मूला लगाया आर इज इक्वल टू आर ई वी इंटू 10 इंटू 10 प्लस आर। ये हमारा फॉर्मूला होता है रिवर्स फाइंड करने का। अब मैंने कुछ नहीं करा, एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10, और ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में नंबर स्टोर करवा लिया, द रिवर्स इज, और ये मैं डिस्प्ले करवा दूंगी अब आर ई वी, और ये मैंने void main का ब्रैकेट बंद करा और ये क्लास का बंद करा। होप ये मेरा प्रोग्राम सही है, देख सकते हैं कंपाइल्ड हो चुकी है क्लास, नो सिंटेक्स एरर। मैंने क्लोज करा REVK का, मैंने रिवर्स का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट पे मैंने राइट क्लिक करा, void main में मान लीजिए मैंने नंबर डाला 285, अब इसका रिवर्स क्या आना चाहिए, 582। आंसर हमारा बिल्कुल सही है, रिवर्स आ चुका है, द रिवर्स इज 582, मतलब हमने ये सही मेथडलॉजी लगाई है। अब मैंने ये जो नंबर मैंने फाइंड आउट करा है इसी का मैंने यहाँ पे स्नैप ले लिया है। अब मैं आपको पूरा ट्रायन करके दिखाती हूँ कि किस तरह से पूरा प्रोग्राम अंदर इंटरनली रन करेगा। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करा, इन 10 में मान लीजिए मैं नंबर ले लिया सिंपल जो हमने पहले लिया था 285, ये नंबर है मेरा। अब क्या होएगा, एन इज इक्वल टू 285, एक इंटीजर वैल्यू आर ले लेगा और आर ई वी में क्या स्टोर कर लेगा, इक्वल टू जीरो। अब जैसे ही एन अंदर वाइल में आएगा चेक करेगा, वाइल एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्या एन जीरो के इक्वल है, 285 जीरो के इक्वल नहीं होता, तो कंडीशन ट्रू अंदर आएगा वाइल लूप में, आर इज इक्वल टू एन मॉडुलस 10, आर इज इक्वल टू एन मॉडुलस 10। जब 10 से डिवाइड करेंगे हम लोग एन को, एन जो हमारा 285 है तो 280 टाइम्स डिवाइड होता है, तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, 5, तो आर में क्या शुरू हो जाएगा, 5, और आर ई वी में क्या हो जाएगा, आर ई वी इज इक्वल टू आर ई वी की पहले क्या वैल्यू 0 इंटू 10 प्लस आर, आर की वैल्यू क्या है 5, तो प्लस 5, आर ई वी में क्या शुरू हो गया 5, और एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10। अगर आप 285 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 28 आपका क्वेश्चन आता है, तो अब एन में क्या शुरू हो जाएगा, 28, ओके। अब दोबारा से लूप ऊपर जाएगा चेक करेगा कि 28 जीरो के इक्वल नहीं है, कंडीशन ट्रू अंदर आएगा, आर इज इक्वल टू एन डिवाइड मॉडुलस 10, एन की वैल्यू क्या है 28, आर क्या है, आर हमने अब निकालेंगे, ये 2 से डिवाइड होएगा उसके बाद 8 आ जाएगा आपका रिमाइंडर, तो आर में क्या शो हो जाएगा 8, और नया आर ई वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर ई वी ऑलरेडी हमारा क्या है, आर ई वी 5 है इंटू 10 और प्लस आर, आर की वैल्यू क्या है 8, तो ये क्या हो जाएगा 58। और अब क्या होएगा, एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10, एन क्या है 28, डिवाइड बाई 10 तो 2 आ जाएगा क्वेश्चन, और एन में क्या शो हो जाएगा 2, ओके। अब दोबारा ऊपर जाएगा, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू अंदर आएगा, अब क्या होएगा, n, n की वैल्यू क्या है 2, 2 डिवाइड बाय 10, तो 2 10 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो 0 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो अब r में क्या शो हो जाएगा, सॉरी 2, अब r में क्या शो हो जाएगा 2 रिमाइंडर। जैसे 2 होएगा तो अब REV का नया REV का फॉर्मूला लगेगा, REV REV की हमारी वैल्यू क्या है 58, तो 58 into 10 plus r, r की वैल्यू क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा 582। अब आर ई वी में क्या शुरू हो गया 582, एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10, एन क्या था हमारा 2,
टू डिवाइड बाई टेन तो जीरो ही होएगा, क्योंकि टेन तो बड़ा होता है टू से, जीरो ही होएगा। तो अब एन में क्या सो जाएगा, जीरो। यहाँ पे आएगा, चेक करेगा, एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, एन की वैल्यू क्या है, जीरो। जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, क्योंकि जीरो तो जीरो के इक्वल होता है, कभी जीरो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो जीरो जीरो के इक्वल होता है, ये उल्टा नहीं हो सकता कि जीरो कभी जीरो के इक्वल नहीं है, तो फॉल्स कंडीशन। जैसे ही कंडीशन फॉल्स, ये क्या आ जाएगा, लूप, व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा। सिस्टम आउट और प्रिंटलन रिवर्स इज, और ये प्रिंट कर देगा रिवर्स इज आरईवी। आरईवी की वैल्यू क्या है, 582, 582 प्रिंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमने नंबर आया था 285, अगर आप मैथमेटिकली इसको उल्टा करेंगे तो 582 ही आएगा, और यही हमारा जो कंप्यूटर का मैंने मैन्युअली आपको डायन करके दिखाया वही आंसर है। तो ये बहुत इजी टॉपिक था, होप आपको मेरा ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। और अगर आपको लगता है कि मैं कि आपको एक्सप्रेशन समझ में आया और आपको और ऐसे टाइप की वीडियोस चाहिए, तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द एफर्टलेस जावा चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एफर्टलेस जावा।